मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान ने जंग छेड़ दी है। फजलुर रहमान आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और इमरान खान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। फजलुर रहमान जमीयत उलेमा इस्लाम के प्रमुख हैं और अपने लाखों समर्थकों के साथ इमरान खान के खिलाफ नारे लगाते झंडे लहराते हुए इस्लामाबाद पहुँच कर डटे हुए हैं। इमरान खान को 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, इस्तीफा दें, और आज ये अल्टीमेटम भी ख़त्म हो रहा है। यानी फजलुर रहमान ने अब पाकिस्तान की तख्ता पलट करने की ठान ली है। यानी फजलुर रहमान ने आर्थिक नीतियों के कारण भी सरकार की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा है कि सरकार ने पहले साल में ही पिछले 70 सालों की सरकारों द्वारा लिए गए ऋण से भी ज़्यादा ऋण लिया है और इमरान खान की सरकार के दौरान महंगाई बढ़ गई है और पाकिस्तान की गरीब जनता राशन खरीदने में असमर्थ है। देश की अर्थव्यवस्था हर दिन बिगड़ते जा रही है। फजलुर रहमान ने कहा यही वजह है जो कि मौजूदा सरकार का समय खत्म करने का आ गया है और अब पाकिस्तान की सरकार हम चलाएंगे। और लाखों की संख्या में फजलुर रहमान आज़ादी मार्च लेकर इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़े और इस्लामाबाद पहुंचकर डटे हुए हैं। यही नहीं, मौलाना ने पीएम हाउस में घुसने की धमकी भी दी और इस धमकी से इमरान खान बेहद डरे हुए हैं और गृह मंत्रालय को किसी भी तरह प्रदर्शनकारियों से निपटने के निर्देश दिए हैं। जब पाकिस्तान की मईशत पर इस तरह के सांप बिठाए जाएंगे जो मगरबी मईशत को खुशहाल बनाएंगे, पाकिस्तान की मईशत को उनका गिरवी बनाएंगे, हम पाकिस्तान की गुलाम मईशत को तस्लीम नहीं करते। और जब पाकिस्तान की बुनियाद बनी थी तो उस वक्त जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का पहला इफ्तिताही जलसा हो रहा था तो कायदे आजम ने उस वक्त कहा था कि मगरबी मईशत उसने सिवाय जंगों के और सिवाय फसादात और तबाहियों के हमें कुछ नहीं दिया है, हम मगरबी मईशत को तस्लीम नहीं करते, हमें चाहिए तो हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक पाकिस्तान में माशी निज़ाम चाहेंगे। आज कायदे आजम की रूह तुमसे पूछ रही है कि कहाँ है वो मईशत जिसके तसव्वुर पर मैंने पाकिस्तान बनाया था और आज तुमने मेरे पाकिस्तान को गुलाम बना दिया है। यानी अब पाकिस्तान में इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, इमरान खान का तख्ता पलटी होने वाला है क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अब अपने समर्थकों के साथ इमरान खान के गले पड़ गए हैं। इमरान खान भी डरे हुए हैं, आज अल्टीमेटम भी ख़त्म हो रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इमरान खान खुद इस्तीफ़ा देंगे, क्या मौलाना फजलुर रहमान आज़ादी मार्च में कामयाब होंगे या नहीं। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।